नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। अभी तक 3 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक बार जीत पाया है। ऐसे में आज उसका सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ परचम लहराने का दिन होगा। सनराइजर हैदराबाद अपना पिछला मुकाबला जीत कर आया तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस से भरा होगा। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। चेन्नई की आईपीएल के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत के नायक रहे अंबायती रायडू मांसपेशियों के खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए थे। अब उनकी वापसी हो रही है। रायडू और ब्रावर दोनों चयन के लिए उपलब्ध हैं। रायडू के फिट होने का मतलब है उनके खराब फॉर्म में चल रहे मुरली विजय की जगह लिया जा सकता है, लेकिन ब्रावो के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको अंतिम एकादश में लेने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को पूरे बल्लेबाजी क्रम में ही बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी तरफ केन विलियमसन के आने से सनराइजर का मध्य क्रम मजबूत हो गया है और वो पिछली मैच जीत कर आ रहा है, तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही होगा। वहीं सनराइजर को अगर सफलता हासिल करनी है तो उसे मध्य क्रम में एक और बिग हिटर की जरूरत है, क्योंकि बेस्टो, वॉर्नर और विलियमसन के असफल होने पर टीम परेशानी में पड़ सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स में भी बहुत दबाव होगा क्योंकि वो अपना पिछला 2 मुकाबला हार कर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा आज कौन सी टीम बाजी मारती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज कौन सी टीम आपको मजबूत लग रही है। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ को।